साथियों, आज हमारे साथ वीरेंद्र वाजपेयी जी हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस में पूर्व DSP रिटायरमेंट हुए हैं और इनको पुलिस का काफ़ी तजुर्बा है। सर, आप थोड़ा ये बताएं कि जो 2 तारीख को जो ये सीताराम येचुरी का जो भोपाल में व्याख्यान हुआ था, उसमें आप भी उपस्थित थे। मैं उपस्थित था। ये पता चला है कि उन्होंने, बाबा रामदेव ने उसके ऊपर FIR करवाई है, तो ऐसा उन्होंने क्या बोला, ऐसा कुछ बोला क्या कि जिसपे FIR हो सकती है? उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं, उन्होंने संविधान जनतंत्र की सब बातें की और उन्होंने जो बात कही थी उसमें हिंदुओं के खिलाफ कोई बात कही नहीं है। इसलिए ये इस किस्म के मामलों पर FIR का कोई औचित्य नहीं है। अगर की जा रही है तो ये मोड़ तोड़ मरोड़ कर कोई साक्ष्य अगर इकट्ठी की जाए, ये बहुत शर्मनाक है और इसके लिए बाबा रामदेव जिम्मेदार हैं और मीडिया जो इस बात को बढ़ा रहा है वह भी जिम्मेदार है। एक्चुअल कहा क्या था उन्होंने? उन्होंने जो कहा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि, और जो आज प्रज्ञा जी को आगे करके आप ये बताना चाहते हैं कि प्रज्ञा जी निर्दोष हैं, ऐसा मैं भी नहीं मानता। तो प्रज्ञा जी का जो प्रकरण है, प्रज्ञा जी के प्रकरण की जो आप पुलिस में हैं एक्चुअल, तो आप थोड़ा समझा पाएंगे कि प्रज्ञा जी का प्रकरण किस तरीके से था और अभी आज कैसे उनको BJP RSS जो ये कर रहा है कि वो तो टारगेट किया गया, उनको ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। प्रज्ञा जी के खिलाफ साक्ष्य है और उस पर ये भी बात सामने आई है कि सरकारी वकीलों को ये कहा गया कि आप थोड़ा स्लो चलें, तो साक्ष्य को आप पेश नहीं कर रहे हैं और जब साक्ष्य पेश नहीं की जाएगी तो जिसको चाहे आप अपने घर बुला लें वापस, ये कोई न्याय नहीं है। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, जो तफ्तीश का काम पुलिस का है वो उनको करना चाहिए और वो साक्ष्य इकट्ठी कर सकते हैं, की है, उदाहरण है, हमारे यहाँ कसाब को और मेमन को सजा कराई है, पुलिस ही साक्ष्य इकट्ठी की। अभी जो भोपाल की राजनीति है उसमें जो जिस तरीके से धर्म का ये सारा माहौल बन रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, किस तरीके की सिचुएशन बन रही है? ये लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन जो समझदार जागरूक मतदाता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, वो सब समझ रहा है और वो इनकी बातों पर नहीं आए। कुछ उन्होंने क्या कहा था सीताराम जी ने और संविधान के बारे में कहा, लोगों की गरीबी के बारे में कहा, उन समस्याओं पर गौर करना चाहिए सरकार को, ये कहा है उन्होंने और ये ज़रूरी है। आज जिस तरह संविधान के साथ मजाक हो रहा है, दिल्ली में संविधान की प्रति जलाई गई और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये तो बात समझ में नहीं आती।